भाई इंश्योरेंस एजेंसी तो ले ली, लेकिन इंश्योरेंस एजेंसी लेने के बाद कस्टमर कैसे मिलेंगे? हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के मन में यही सवाल चलता है और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से वो नेचुरल मार्केट से अपने लिए कस्टमर ढूंढे, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे तरीके होते हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं, लेकिन नए एडवाइज़र सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए नेचुरल मार्केट से अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिना सोशल मीडिया का यूज किए नेचुरल मार्केट से अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, किन किन लोगों से आपको मिलना चाहिए और वहां से आपको कितना बिजनेस मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर चेक करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब एजेंसी लेता है, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जिन्होंने एजेंसी ये सोच कर ली है कि एजेंसी लेकर आप इंश्योरेंस में काफी पैसा कमाएंगे, लेकिन जब कस्टमर नहीं मिल पाते हैं तो आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। आपको ये समझ नहीं आता है कि कहाँ से हमें कस्टमर मिलने चाहिए। तो आज कुछ तरीके हैं जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ, उन तरीकों को आप यूज़ करके अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है नए एडवाइज़र के लिए नेचुरल मार्केट। दोस्तों, नेचुरल मार्केट में किससे आपको मिलना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कौन आपसे पॉलिसी ले सकता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहला कौन सा तरीका है, किससे हमें मिलना चाहिए सबसे पहले एजेंसी लेने के बाद, और ये है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। यानी कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का मतलब आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, इनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनको आप बता सकते हैं कि आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, अगर उनको कोई इन्वेस्टमेंट करना है या उनको कोई इंश्योरेंस कराना है तो वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपको बताएं। क्योंकि इंश्योरेंस तो हर किसी की ज़रूरत होती है, हर किसी को इंश्योरेंस कराना होता है, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो किसी और से लेंगे। तो आप सबसे पहले अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को जरूर बताएं। दूसरा तरीका दोस्तों, दूसरा तरीका है एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का मतलब ये हुआ कि आपके अंकल, आपकी आंटी, आपके अंकल आंटी के पेरेंट्स, उनके बेटे, उनके बच्चे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यानी कि अपने चाचा, अपनी चाची, चाची के पेरेंट्स जो हुए उनसे संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ आप उनके बच्चों से भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कोई पार्टी होती है, कोई पार्टी न्यू ईयर पार्टी हो रही है या फिर किसी फेस्टिवल पे दशहरा पार्टी है या कोई शादी वादी हो रही है, उसमें आप उनको बता सकते हैं कि आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने नेबर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी को करानी होगी तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जब आप बताएं तब तक देर हो चुकी हो और वो किसी और से इंश्योरेंस पॉलिसी करा ले। तीसरा तरीका दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने इन लॉज के यहाँ पे भी इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने अभी अभी इंश्योरेंस एजेंसी ली है और इंश्योरेंस का क्या महत्व होता है, इंश्योरेंस में क्या फ़ायदा होता है, क्यों इंश्योरेंस ज़रूरी है, इंश्योरेंस में कैसे वो अपना टैक्स बचा सकते हैं, इंश्योरेंस में किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपके इन लॉज के यहाँ पर अगर आप नहीं बताएंगे और वहाँ पर किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा, टैक्स सेविंग के लिए कोई पॉलिसी लेनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से संपर्क करें, किसी और से इंश्योरेंस पॉलिसी करा लें। तो बिजनेस अगर आपके पास आ रहा है तो आप बिजनेस को क्यों छोड़ रहे हैं, बिजनेस के लिए आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपको ये नहीं कि आपको बताते हुए शर्म आ रही है, आपको हेजिटेशन हो रही है, ये सब आपको दूर करनी होगी, जो भी आपके अंदर की हेजिटेशन है ये सब आपको दूर करनी होगी। और आप इन लोगों से संपर्क करें, इन लोगों को आप बताएं कि किस तरीके से इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, जो आपसे दूर रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब्रॉड में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उन लोगों को भी आप बता सकते हैं कि इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, इंश्योरेंस उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इंश्योरेंस में आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उनको भी अगर अपना इंश्योरेंस कराना होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, बैंक में उनका अकाउंट होता है, कोई बैंक का एम्प्लॉई उनको फ़ोन करके उनका इंश्योरेंस पॉलिसी कर दे, आपको पता भी ना चले। तो उससे पहले ही आप अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं,
जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपके पास नहीं रहते हैं, आपके आसपास नहीं रहते हैं, जो दूसरे शहरों में रहते हैं और जो विदेशों में रहते हैं, आप उनको भी इंश्योरेंस के बारे में प्रेरित करें। उनको भी बताएं कि इंश्योरेंस हर किसी को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कराना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जहां पर भी आप रहते हैं तो आपके आसपास कितने लोग रहते हैं, आपके आसपास आपके जो नेबर्स हैं उनको आप इंश्योरेंस के बारे में उनसे डिस्कस करें। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक करते समय वहां पर जब आपसे आपके पड़ोसी मिलते हैं, आपके दोस्त मिलते हैं, आप उनको बात करिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है तो उनको बताइए कि आप अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी कराने का ये फ़ायदा होता है, उनको बताइए कि आज की ज़रूरत को देखते हुए इंश्योरेंस में आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलते हैं और साथ साथ आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होता है। तो ऐसा नहीं है, कस्टमर हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के द्वारा ही आपको कस्टमर मिलेंगे। आप फेस टू फेस जाके लोगों से मिलके, उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं। और हर जगह कस्टमर हैं। घर से निकलने की देरी है, घर से आप निकलेंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, आपके दुकानदार जिसके पास आप सामान लेने जाते हैं, उसके बाहर आप स्टिकर लगा सकते हैं, उसके बाहर आप एक बैनर लगा सकते हैं, उसकी परमिशन लेकर आप उसको बता सकते हैं कि जो भी आपके शॉप के द्वारा आपकी शॉप पर आएगा, अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगा, मैं आपको ये बेनिफिट दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने सब ब्रोकर भी बना सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है नए एडवाइज़र के साथ में, नया एडवाइज़र अगर उसको कुछ टाइम तक कस्टमर नहीं मिलते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाता है, और डीमोटिवेट होने के बाद वो कुछ टाइम तक अपनी एजेंसी में काम ही नहीं करता है और उसकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है अपनी एजेंसी को एक्टिवेट करने की। शुरू में हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो हमें बताएंगे कि हमें अपनी एजेंसी को एक्टिवेट करना है, आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। और एक बार आपने अपनी एजेंसी एक्टिवेट की, आपको पता चला कि एक्टिवेट होने के बाद जब आप पॉलिसी डालते हैं उस पर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से दोस्तों आप कोशिश कीजिए घर से निकलने की, आप कोशिश कीजिए नए नए लोगों से मिलने की, आप कोशिश कीजिए लोगों को बताने की कि इंश्योरेंस का क्या महत्व होता है। तो ये कुछ तरीके मैं आपको बताए जो आपके लिए, उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस में नए हैं, जिनको नहीं पता है कि वो शुरुआत आखिर करें कहाँ से, कहाँ से वो शुरुआत करें, किस तरीके से शुरुआत करें, किन लोगों से मिले, उनको नहीं समझ आ रहा है। उनको हर टाइम उनके दिमाग में ये चलता है कि पहली पॉलिसी कहाँ से स्टार्ट करें। इसके साथ साथ दोस्तों आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जहाँ पर आप आज से कुछ टाइम पहले रहते थे। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर से इस शहर में हुआ और यहाँ पर आकर आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली हो, लेकिन जहाँ पर आप पहले रहते थे वहाँ पर आपके नेबर्स होंगे जिनसे आज भी आप संपर्क में हैं, जिनसे आपकी व्हाट्सएप पर अभी भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज होते हैं। उन लोगों को आप बता सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए। कहीं ना कहीं जब तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे, नहीं बताएंगे, तो उन लोगों को कैसे पता चल पाएगा। आपको कोई भी अपनी लिस्ट में ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ना है जो कभी ना कभी आपके संपर्क में रहा हो, चाहे वो आज आपके संपर्क में है, चाहे आपसे 10 साल पहले आपके संपर्क में था, चाहे कभी भी वो आपसे संपर्क में रहा हो या कभी आपकी उससे मुलाकात हुई हो, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, कहीं पर मुलाकात हुई हो, आप सबको कॉन्टैक्ट करिए, सबको बताइए। कभी भी आपको कोई मिले तो उससे इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, और हमेशा अपना एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराकर आप अपनी पॉकेट में रखें। जब भी आप लोगों से मिलें तो उनको अपना विजिटिंग कार्ड ज़रूर दें। नेक्स्ट दोस्तों, जब आपने देखा है कि आपके बच्चे, अगर आप मैरिड हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप स्कूल के बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको छोड़ने जाते हैं या स्कूल के बच्चों को लेने जाते हैं स्कूल के बाहर, बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स छुट्टी के बाद जब अपने बच्चों को लेने आते हैं तो स्कूल के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो आप बातों ही बातों में ऐसे लोगों से डिस्कस करें जो आपके बच्चों के साथ साथ उनके बच्चे भी पढ़ते हैं जिस स्कूल में, उन पेरेंट्स से आप डिस्कस करिए, उनको बताइए कि देखिए मैंने अपने बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है, आप भी अपने बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं। आप उनको बताइए कि इंश्योरेंस कराने का क्या फ़ायदा होता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी
कितना पैसा देती है, बच्चे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए इंश्योरेंस में क्या फ़ायदा है। तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर कराएं, जिसमें आपको बच्चे जब बड़ा होगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की स्टडी के लिए इतना पैसा मिलेगा, हायर स्टडी के लिए इतना पैसा मिलेगा, बेटी की शादी के लिए इतना पैसा मिलेगा। तो क्योंकि हर कोई पेरेंट्स बहुत ही कॉन्शियस होता है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, तो आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है हर एक पेरेंट्स को, उन लोगों को जिनसे आप स्कूल के बाहर मिलते हैं, जो आपसे स्टॉप पर मिलते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपसे संपर्क में रहे हैं पहले, उन लोगों को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, रोज़ हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हुए जिम में जाते हैं, तो जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में आपको बहुत सारे ऐसे आपके कलीग मिलते होंगे जो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो भी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। उन लोगों को आप बता सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप उनको बताइए कि उनको अपने फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाए या फिर लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे आदमी के जाने के बाद उसके परिवार को इधर उधर ना देखना पड़े, उनके परिवार की जिम्मेदारी फिर इंश्योरेंस कंपनी की होती है। इंश्योरेंस कंपनी उनके परिवार को हर एक वो सुविधा देती है जो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए उनको चाहिए होती है। और वो कैसे मिलता है? वो मिलता है पैसे के तौर पर, यानी कि जितना भी इंश्योरेंस कवर वो लेते हैं तो उनके ना रहने पर उनके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, ताकि वो अपने सपने पूरे कर पाएं, अपने जीते जी भी और अपने ना रहने पर भी। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए, ये तरीके ऐसे तरीके हैं जो हर एक नए इंश्योरेंस एडवाइज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को जिसको ये समझ नहीं आता है कि उसको कैसे अपनी एजेंसी को एक्टिवेट करना चाहिए, कहां से वो कस्टमर ढूंढे, किन लोगों से मिले, कहां पर जाए, किससे बात करे, किससे पॉलिसी ले, कौन पॉलिसी लेगा उससे, तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए, इन तरीकों को आप इन लोगों से आप मिलिए, इन लोगों से मिलकर कहीं ना कहीं आप उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे तो ज़रूर आपकी MDRT भी होगी, ज़रूर आपकी एजेंसी एक्टिवेट भी होगी और आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी नए इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ में कि आप ज़रूर अपनी जो सपने हैं वो सपने पूरे करें, आप ज़रूर MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच।